हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। मेरा नाम है शैलेंद्र। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एकदम कमाल, क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक स्पेशल प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रिव्यू। अब प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है ये, जो कि है फायर टीवी स्टिक फ्रॉम अमेजोन, जो कि सपोर्ट करता है 4K HD वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो इसका बॉक्स काफी अट्रैक्टिव है, काफी कॉन्ट्रास्ट कलर के साथ ये इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, देखने में काफी अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। तो ये सबसे पहले तो सपोर्ट करता है अलेक्सा को। तो इसका जो रिमोट है वो एक वॉइस कंट्रोल के साथ भी आता है और उसको सपोर्ट करता है। इसके साथ इसमें हमको मिलता है 4K अल्ट्रा HD। अगर आपके पास 4K अल्ट्रा HD टीवी है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन डिवाइस हो सकता है। इसके बाद इसमें आपको मिलता है डब्ल्यू विजन एटमोस क्वाड कोर प्रोसेसर, और इसके साथ इसमें मिलती है वाईफाई 802.11ac नेटवर्क बैंडविड्थ। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है ये भी इस पे लिखा हुआ है। अमेजन फायर टीवी स्टिक, अलेक्सा वॉइस रिमोट सेकंड जनरेशन, 2 AAA बैटरीज, पावर अडेप्टर, USB केबल, और इसके साथ मिलता है एक HDMI एक्सटेंडर केबल। इसके बाद इस पे है कि व्हाट्स नीडेड। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर आप इसका यूज कर रहे हैं और आप 4K मूवी या जो भी है देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपको 4K कंटेंट देखना है, तो उसके लिए आपकी जो भी टीवी होनी चाहिए या जो भी डिवाइस है वो सपोर्ट करनी चाहिए 4K कंटेंट। गाइस, इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इस पे प्राइस डला हुआ है वो करीब करीब 6000 रुपए डला हुआ है, लेकिन जो अभी अमेजन की डील चल रही है इसमें इसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 3500 रुपए के आसपास है। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, एक छोटी सी इसमें सील लगी होती है, इसको ओपन करना रहता है। इसको हमने ओपन कर लिया है, नाउ ओपन करते हैं। तो इसके अंदर है एक ये ब्लैक बॉक्स, इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो पैकेजिंग काफी अच्छी है। इसके अंदर है ये दो कार्ड, फायर टीवी स्टिक 4K, इसमें कैसे यूज करना है, सारा मैनुअल्स, रिमोट कैसे चलेगा, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। इसको साइड में रख देते हैं। इसमें अगेन ये सब दिया हुआ है, फीचर्स वगैरह, इसको साइड में रख देते हैं। इसके साथ इसमें है ये अडेप्टर चार्जर। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको मिल जाती है अमेजोन की 2 AAA बैटरी, जो कि रिमोट में हम यूज करेंगे। इसके बाद आ जाता है ये एक रिमोट, ये एक HDMI केबल एक्सटेंडर है, ये हमारी केबल है। वैसे ये हमारी फायर टीवी स्टिक, ये खाली हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो, इतनी सारी चीजें हमको इसमें मिल गई हैं। इस डिवाइस को खरीदने के पहले आप एक बार अपनी टीवी की जो कंपेटिबिलिटी है वो जरूर देख लें। एक तो आपकी टीवी में HDMI पोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपकी टीवी में अगर HDMI पोर्ट नहीं है तो ये डिवाइस आपके लिए उपयोगी नहीं है, ये आपके लिए काम नहीं करेगी। और दूसरा ये है कि ये जो डिवाइस है ये बनी हुई है 4K HD कंटेंट के लिए। तो अगर आपकी जो भी टीवी है अगर वो 4K सपोर्ट नहीं करती है तो ये डिवाइस आपके लिए उपयोगी नहीं है। ये इसके लिए आप जो इसका लोएस्ट वर्जन है वो खरीद सकते हैं। बेसिकली जो गाइस ये डिवाइस आती है ये 3 कैटेगरी में आती है। ये जो इसका हाईएस्ट वर्जन है जो कि सपोर्ट करता है 4K HDR को, इसका जो लोएस्ट वर्जन होता है वो सपोर्ट करता है फुल HD को, एंड प्लस उसके साथ आता है रिमोट जो कि अलेक्सा इनेबल्ड होता है। और जो सबसे लोएस्ट वर्जन होता है वो एक लाइट वेट रिमोट होता है वो भी, लेकिन जो वो वाली डिवाइस होती है वो भी सपोर्ट करती है आपकी फुल HD। तो इसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 3500 रुपए है, और जो इसका लोएस्ट वर्जन है वो करीब करीब 2500 रुपए का है। तो अगर आपकी टीवी 4K सपोर्ट नहीं करती है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जो आप सेकंड वाला इसका जो वर्जन है वो परचेज करें। तो इसको फटाफट सेटअप करते हैं और देखते हैं टीवी में ये कैसे चलता है, कैसा इसके फीचर्स हैं, क्या है, वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो इसका जो वेट है वो करीब करीब 55 ग्राम का है, और इसका जो प्रोसेसर है वो है एक क्वाड कोर प्रोसेसर विथ 1.7 GHz ऑफ स्पीड। इसके बाद इसके अगर स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर स्टोरेज है वो 8GB का है, और अगर बात करें वाईफाई कनेक्टिविटी की तो वो होती है एक डुअल बैंड वाईफाई है जो कि सपोर्ट करती है 802.11abgnac वाईफाई नेटवर्क्स। इसके बाद अगर बात करें ब्लूटूथ की तो इसके अंदर जो ब्लूटूथ है वो है 5.0, और इसके साथ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये इसका जो रिमोट है वो अलेक्सा इनेबल्ड है, तो ये सपोर्ट करती है जो भी वॉइस सपोर्ट है, आप वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं।
अगर बात करते हैं ऑडियो सपोर्ट की, तो ये सपोर्ट करता है डब्ल्यू एटमोस को, 7.1 सराउंडिंग साउंड्स को एंड 2 चैनल स्टूडियोज को। बात कर लेते हैं 4K सपोर्ट की, तो ये कम्प्लीटली सपोर्ट करती है 4K HDR वीडियोस को। अगर बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो ये आती है 1 साल की वारंटी के साथ। तो गाइस मैंने जो डिवाइस है उसको प्लग इन कर दिया है टीवी में और सेटअप भी कर लिया है। इसका सेटअप करना बहुत ही इजी है, जैसे ही आप प्लग इन करते हो उसके बाद जैसे ही आप अपना जो HDMI है उसको सिलेक्ट करते हो जिस पोर्ट में ये लगी हुई है, उसके बाद ये ऑटो इंस्ट्रक्शन आपको देने लगता है और जैसे आप धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चले जाते हो ये ऑटो सेटअप होता चला जाता है। गाइस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपनी डिवाइस को पहले अमेजन जो भी आपका अकाउंट है उसके साथ रजिस्टर करना पड़ता है। तो जब आप इसको परचेस करते हो अमेजोन से, तो वहां पर एक ऑप्शन मिलता है कि लिंक योर डिवाइस विथ योर अकाउंट। तो अगर आप उसी टाइम पे इसको लिंक करते हो तो उसको आपको ये ऑलरेडी आपके लिए रजिस्टर्ड होकर आता है और आपको अलग से इसको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। तो जब आप इस डिवाइस को कॉन्फिगर करोगे उस टाइम पर, सबसे पहले ये आपको आपका जो भी वाईफाई है उसका पासवर्ड और यूज़र मांगेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास 5G है तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। उसके बाद आपको इसमें अपना अमेजन अकाउंट इंटर करना है। उसके बाद ये क्या करता है कि अपना जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करता है और उसको ऑटो इंस्टॉल करता है। तो उसके बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है और उसके बाद जो आप देख रहे हो ये होम स्क्रीन कुछ इस तरह से इसकी दिखती है। होम स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक तरफ मुझे दिख रहा है कई सारे ऐप्स हैं जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल किए हैं, जैसे अमेजोन म्यूजिक, यूट्यूब, फॉक्स न्यूज, टाइम्स नाउ, ये सारे मैंने अभी इंस्टॉल किए हैं। या तो आप इनको मैनुअली बाद में इंस्टॉल कर सकते हो, या जब आप इसको कॉन्फिगर कर रहे हो उस टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन होता है इन सारे ऐप्स को इंस्टॉल करने का। ऊपर आप देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है वो है होम का। होम में हमको मिल जाता है ये सारे ऐप्स और इसके बाद ये जो भी अमेजन की अभी डील्स वगैरह चल रही हैं ये सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बाद सारी मूवी और जो भी कंटेंट है अमेजन प्राइम वीडियोस का, वो सारा कंटेंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है लाइव का। इसमें जो भी ऐप्स हैं जो लाइव टीवी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है वो है मूवीज का। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो भी अमेजन प्राइम की ऊपर जो भी कंटेंट अवेलेबल है वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है टीवी शोज में अगेन आपको अमेजन प्राइम वीडियोज का जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस इसके बाद जो सेक्शन है वो है ऐप्स। ऐप्स में आप जो भी ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहते हो वो सारे ऐप्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सारे ऐप्स यहाँ पे मिल जाएंगे और आप उनको सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। जो इस डिवाइस का स्टोरेज है वो करीब करीब 8GB का है, तो 8GB तक के ऐप आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद ऐप्स के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं, फीचर्ड के बाद आता है गेम्स। गेम्स में आपको कुछ गेम्स मिल जाएंगे, मैंने ये गेम्स अभी तक ट्राई नहीं करे हैं, तो ये कुछ गेम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा है कैटेगरीज। अगर आपको अपना मनपसंद ऐप ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कैटेगरी वाइज भी इसको सर्च कर सकते हो। लाइक इफ सपोज अगर आपको कोई गेम्स करना है तो आप गेम्स में जाओगे और यहाँ पे आपको कई सारे गेम्स मिल जाएंगे। डिवाइस काफी फास्ट है और इसका जो वर्किंग है वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी अच्छी है। तो गाइस इसके बाद हम जाते हैं अपने लास्ट ऑप्शन में जो कि है सेटिंग्स, जहां पे आप अपनी इस पूरी डिवाइस को अगेन रिकॉन्फिगर कर सकते हो। सारी सेटिंग्स आपको यहां मिल जाती हैं, लाइक यू कैन कंट्रोल नोटिफिकेशंस, नेटवर्क, आपको अगर नेटवर्क चेंज करना है, डिस्प्ले एंड साउंड सेटिंग, तो इसमें किसी भी तरह की आप सेटिंग यहां पे कर सकते हो और उसको चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशंस, इक्विपमेंट कंट्रोल्स, लाइव टीवी, रिमोट एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस, एलेक्सा, प्रेफरेंसेस, माई फायर टीवी, एक्सेसिबिलिटी, हेल्प एंड माई अकाउंट में अगर आप चाहो तो अपना जो भी करंट अकाउंट है उसको चेंज कर सकते हो। तो गाइस ये था सारे फीचर्स और सारे ऐप्स और सारे ऑप्शंस। इसके बाद जो इसमें एक ऑप्शन है वो है वॉइस कंट्रोल का। तो वॉइस कंट्रोल के लिए आप देख सकते हो रिमोट, तो इसको प्रेस करके आप जैसे ही कोई कमांड दोगे वो कमांड हमारी टीवी पर चली जाएगी। तो देखिए इसको ट्राई करते हैं। ओपन यूट्यूब, तो ये देखिए तो जैसे ही मैंने इसको कमांड दी ओपन यूट्यूब, ये इस पर यूट्यूब ओपन हो गया। इस वाले वॉइस कंट्रोल को कॉन्फिगर करने के लिए आपको कोई अलग से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बटन प्रेस करना है और आपका जो भी कमांड है वो टीवी पर अप्लाई हो जाएगा। डिवाइस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और काफी पावरफुल ये डिवाइस है। बाकी इसका जो अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह अगर आप स्विच कर रहे हैं लाइक बिटवीन टू एप्स, तो ये इसमें काफी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू इस फायर टीवी स्टिक के बारे में जो कि है एक 4K HDR फायर स्टिक। तो मेरे हिसाब से एक वर्थ बाइंग है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो कुछ टाइम पहले जब मैंने इसको देखा था तो इसकी प्राइस करीब करीब 6,000 रुपए थी, लेकिन अभी जो डील चल रही है अमेजोन की इसमें करीब करीब 3,500 रुपए में मिल रही है।
इसमें भी जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें तीन डिवाइसें आती हैं, जो कि होती है जनरेशन वन आती है, उसके बाद उसके जो जो सेकंड वर्जन है वो है, उसके बाद ये थर्ड वर्जन होता है जो कि सपोर्ट करता है 4K HDR को। तो अगर आपके पास आपकी जो टीवी है वो 4K नहीं है तो आपको ये डिवाइस नहीं खरीदनी चाहिए। इसके बजाय आपको जो जो डिवाइस खरीदनी चाहिए वो है इसका जो सेकंड कैटेगरी आती है वो वाली डिवाइस आपको खरीदनी चाहिए। उसकी प्राइस भी काफी कम है, वो करीब करीब 2500 रुपए में आती है। तो ये था हमारा कंप्लीट रिव्यू अबाउट दिस फायर टीवी स्टिक। तो गाइज इसका जो है फर्स्ट इंप्रेशन है काफी बढ़िया है और ये डिवाइस काफी अच्छे से काम कर रही है, काफी फास्ट है और इसका स्टोरेज भी काफी है, 8GB है, तो इसमें काफी सारे एप्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो वॉइस कंट्रोल है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया इसका यूज करके। तो ओवरऑल ये मुझे काफी वर्थ वाइम लग रहा है। तो गाइस आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी तरह आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।